हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं क्यूटनेस का भंडार मनारा चोपड़ा। तो मनारा जी, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप जब आए थे बिग बॉस में तो यू आर एन अंडरडॉग, बहुत कम फैन फॉलोइंग थी आपकी, बट अभी आप टॉप थ्री में आ गई हैं और उनसे आप आगे बढ़ गई हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग थी। तो क्या चल रहा है आपके माइंड स्पेस में अभी? कि मनारा की ट्राइब उसको सपोर्ट कर रही है और मनारा की वाइब सबको पसंद आ रही है, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। जनता, आपके प्यार के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, तो जो भी हैं आप लोग ही हैं, इतना प्यार दिया, सिर्फ ग्रैटिट्यूड और प्यार है आप सबके लिए तहे दिल से। अंकिता ने ओपनली एडमिट किया कि वो आपसे इनसिक्योर हैं और अभी आप लीड कर रही हैं उनसे डिस्पाइट एवरीथिंग, क्या कहना चाहेंगी आप अंकिता को? ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, निटोर पंजाब दी, यही बोलूंगी। व्हाट एन आंसर। और मुनव्वर के साथ आपकी जो दोस्ती रही है वहाँ पे, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि थोड़ी वन साइडेड थी, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से उनको सपोर्ट भी कर रही थी, उनके साथ भी उनकी हर चीज़ में उनको सपोर्ट करती थी, बट बैक पे जब बातें होती थी, मुनव्वर बहुत कुछ बातें करते थे आपके बारे में। पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने बुरा बोला था आपके बारे में, एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो ही केप्ट ऑन सेइंग ऑल दोज थिंग्स आपके बारे में। तो उन्होंने इनफैक्ट ये भी बात बोली थी कि मुनव्वर वॉज टॉकिंग विद विक्की एंड अभिषेक के मनारा आके बात करती हैं, पूछती हैं कि मैंने ये ड्रेस पहनी है ये कैसी लगती है, तो ये गलत सवाल है, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही ओपन अप हो गई उनके साथ? अच्छा, मुनव्वर ने ऐसा भी बोला? बिकॉज मेरी तो आदत ही थी, घर पे मैं उठती थी और जो भी, मतलब अगर मैं बाथरूम्स में, उस साइड वाले बाथरूम या इस बाथरूम में, तो मैं दो तीन ड्रेसेस उठाती थी, मुझे हमेशा कन्फ्यूजन रहता था कौन सी पहननी है, तो जो सामने इंसान आया उससे पूछती थी। अब मुझे नहीं पता उसने इसको भी एक नैरेटिव दिया है, दिस इज काइंड ऑफ मे बी उसने फ्लो में बोल दिया और मुझे नहीं पता, मैं देखूंगी नहीं तो कैसे बोलूं। बट मैं तो सबसे पूछती थी, नॉट जस्ट मुनव्वर, आई यूज टू आस्क एवरीवन, एंड मे बी मुनव्वर से भी पूछती हूँ। हाँ, मैं डेफिनेटली पूछती थी बिकॉज उसको शोबिज का ज़्यादा नॉलेज है एंड उसने नॉर्थ की ट्रेड में, नॉर्थ इंडिया में बहुत काम किया है, तो मैंने उससे भी पूछा है। बट उसको ख़राब लगना क्यों है वो मुझे नहीं समझा, वो तो उसका जवाब वही दे सकता है, बट आई डोंट। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला दिवाली पार्टी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ये बात बोली थी कि दिवाली पार्टी पे मनारा ने मुझे किस किया जिससे मैं अनकम्फर्टेबल हो गया। तो क्या आप रिग्रेट करती हैं वो सारे एक्शंस, क्योंकि उनको इस तरह से देखा गया बेसिकली आपके बिहेवियर को? मुनव्वर ने ऐसा बोला कि उन आपने, हाँ ऐसा दिखाया गया कि उन्होंने बोला कि आपने उनको किस किया था, ऐसा सीन दिखा कि मैंने उन्हें किस किया? नहीं, उन्होंने बोला, उन्होंने बात करी कि मनारा ने बोला, नहीं उन्होंने बोला था ये बात कि मनारा ने मुझे किस किया और मैं काफी अनकंफर्टेबल हो गया उससे। आई डोंट नो, क्योंकि वो अभी बाहर जाके आप देखेंगी तो बहुत कुछ। हाँ, मतलब अभी वो मेरे सामने आए और मैं स्टेज पे जब उन्हें विश करने गई ट्रॉफी के लिए, तो उन्होंने सामने देखते हुए भी नहीं देखा और उन्होंने बोला मैं ब्लैंक हो गया था, और अभी आप मुझे ये बता रहे हो, तो आई डोंट नो मैं अभी इसको कैसे प्रोसेस करूँ, बिकॉज किस करने की कोशिश करी इज अ वेरी, यू नो, या आई एम फीलिंग ऑकवर्ड जब आप मुझे बता रहे हो, सो आई डोंट, आई विल सी। ओके, तो जब सारे आपके अगेंस्ट थे तो अरुण ने आपको सपोर्ट किया था, सबके सारे लोग आपके अगेंस्ट थे और अरुण आपको अकेले सपोर्ट कर रहे थे, तो किस तरह से आप, जो आपकी दोस्ती है अरुण के साथ, वो किस तरह से देखती हैं? अरुण भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने हैदराबाद में बहुत फिल्म्स करी हैं तेलुगू, सो मुझे पता है कि तेलुगू लोग बहुत स्वीट होते हैं और वो जेन्युइनली जिसको अपना मानते हैं उसको अपना मानते हैं, सो एक सेंटिमेंट रहता है। और अरुण भाई से मैं जब भी बात करती हूँ, स्पेशली तेलका भाई अरुण भाई से, मैं उनको बोलती थी मेरे मायके वाले हैं, एंड अरुण भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। उनके साथ बैठती थी तो मतलब यहाँ के लोग मुझे लगते थे कि ये थोड़े ग्लिट्स एंड ग्लैमर वाले हैं, मैं भी उस फैमिली से हूँ जहाँ पे ग्लिट्स एंड ग्लैमर है, बट जब हम घर पे रहते हैं तो बहुत नॉर्मल रहते हैं, तो मुझे अरुण भाई के पास जब बैठती थी तो मुझे कुछ भी दिखावा,
बनावटीपन नहीं लगता था, बहुत ही एक जेन्युइन फीलिंग आती थी फ्रॉम वन हैदराबादी टू अनदर हैदराबादी. सो दैट्स व्हाट आई कैन से. तो अरुण भाई तो हमेशा ही मायके वाले रहेंगे. बड़े डिग्निफाइड वे में आपने अपने आप को मेंटेन किया बिग बॉस हाउस में. प्रियंका चोपड़ा आपकी सिस्टर ने आपको सपोर्ट किया. क्या कभी जब आप हार्डशिप्स फेस कर रही थी घर में, आपके दिमाग में उनके कोट्स आते रहते थे क्योंकि उनके कोट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं, तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें आती थी उस टाइम पे जो आपको बूस्ट करती थी? मेरे माइंड में तो 24 घंटे टू बी ऑनेस्ट बातें ही चलती रहती थी अपनी फैमिली के बारे में. ऑफकोर्स जब इंसान लो होता है तो सोचता ही है, याद आती है कि अरे वो तो बैठे होंगे, अभी घूमने गए होंगे, अभी क्रिसमस के टाइम तो सब हॉलीडे पे होंगे, अभी कोई कॉन्सर्ट चल रहा होगा, ऐसा सब इंजॉय कर रहे होंगे. तो ऑफकोर्स फैमिली की याद आती है. बट उनकी कोट्स उन्होंने मुझे एक बार बोला था जब लास्ट ईयर मैं उनके साथ एलए में रहने गई थी, उनके घर गई थी, तो उन्होंने बोला था कि मनारा यू हैव एवरीथिंग, तुम एक अच्छी एक्टर हो, सब कुछ है, बट यू नो यू नीड टू नेटवर्क, यू नीड टू ग्रो इन योर बिजनेस, आपको नेटवर्किंग की बहुत ज़रूरत है. एंड आई थिंक बिग बॉस इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म बिकॉज बिग बॉस के नेटवर्क से मेरे को यू नो सब ने जाना, यू नो आई गॉट अप्रिसिएशन फॉर माई पर्सनैलिटी एंड फॉर माई टैलेंट फ्रॉम द बिग बॉस टीम, फ्रॉम द होस्ट ऑफ द शो सलमान सर, फ्रॉम द अदर होस्ट ऑफ द शो करण सर, फ्रॉम रोहित सर, टू लाइक पूजा भट्ट मैम, शी केम एंड सपोर्टेड मी. सो ऑफकोर्स फैमिली की याद आती है, बट ये उससे मुझे बोला था आई नीड टू यू नो शो केस माई टैलेंट एंड बिग बॉस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म वेयर आई शो केस माई टैलेंट. सो थैंक्स टू प्रियंका फॉर दैट. ऑफकोर्स डिसीजन मेरी मॉम का था बिग बॉस में आने का, बट जब उन्होंने वो जब पर्सनली बात करती हैं और जब वो कुछ भी करियर ओरिएंटेड बात करती हैं सारी बातों में से एक बात, तो उस टाइम मुझे बस ये होता है कि बस मैं सुन लूँ, बिकॉज इट जस्ट कि वो बहुत एक्सपीरियंस से बात करती हैं एंड उस टाइम कोई भी बात करे तो आपको उसको एम्बाइब करना चाहिए और देखना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में कहाँ गलत जा रहे हो. एंड सेम इज़ विद सलमान सर. सर ने मुझे पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है और कभी भी उनको लगा कि मैं गलत जा रही हूँ तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ वे में लिटरली अपने घर के इंसान की तरह करेक्ट करा कि नो मनारा, लाइक यू नो एक बार उन्होंने बोला वाई डू यू थिंक दैट वाई मी, यू शुड बी से दैट दे चूज मी. कितनी अच्छी बात, मतलब हमेशा ग्रैटिट्यूड रखो कि उन्होंने मुझे चूज़ करा है, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, तुम ये मत सोचो, विक्टिम मत सोचो. और ऐसी कितनी बातें उन्होंने मुझे सिखाई हैं सर ने. सो जब यू नो इस लेवल पे सब आपको समझाते हैं तो आपको बस उसको एब्जॉर्ब करके अपनी जर्नी में आगे लेके जाना चाहिए. सो दैट्स थोड़ा मैंने बड़ा बोल दिया बट दिल से बोल दिया. वेल लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू. थैंक यू. आपका और भी ज़्यादा बेहतरीन काम, आपको और आगे बढ़ते देखना चाहेंगे. विशिंग यू गुड लक. थैंक यू सो मच फॉर द एक्सीलेंट कॉन्वर्सेशन. थैंक यू सो मच. इट बिकेम वेरी कैंडिड एट द लास्ट. सो या थैंक यू सो मच.